हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष। हमारी बॉलीवुड वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मूवी बनाती है, लेकिन पिछले 3-4 सालों को देखें तो अच्छी कहानियों का अकाल पड़ा हुआ है और हमारे जितने मेकर्स हैं वो सेफ साइड खेल रहे हैं, वो बायोपिक पे बायोपिक बनाते जा रहे हैं और मूवीज हिट भी कर रही है। इसी कड़ी में आज एक और नए बायोपिक का ट्रेलर रिलीज हो गया, सुरमा संदीप सिंह पर बनी है। संदीप सिंह इंडिया के बहुत ही नामी हॉकी प्लेयर हैं। अब हम आते हैं इस मूवी के ट्रेलर पे। अगर आप ट्रेलर को देखें तो कुछ भी ऐसा खास नहीं है जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाए। हाँ, आप दिलजीत दोसांझ की बॉडी की तारीफ कर सकते हैं कि लगता है उन्होंने मेहनत की है, मूवी के प्रति उनकी कमिटमेंट थी और एक ड्रैग शॉट जो उन्होंने खेला है वो भी काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है। बाकायदा ऐसा कुछ खास आपको नहीं लग रहा है ट्रेलर को देख के जिसे आपको लगे हाँ इस मूवी को देखने के लिए हमें सिनेमा हॉल जाना चाहिए। अगर आप एक हॉकी लवर नहीं है तो मूवी को डायरेक्ट किया है शाद अली ने और इसके जो मेन लीड है दिलजीत दोसांझ हैं, तो दोनों काफ़ी समय से प्यासे हैं बॉलीवुड में एक बड़ी हिट के लिए, क्योंकि यह शाद अली की फिल्म पिछली जो फिल्म थी ओके जानू वो ओके ओके ही रही थी और दिलजीत दोसांझ की फिल्लौरी ऐसी पिटी थी कि उसने स्क्रीन से पानी भी नहीं मांगा था। मूवी की कहानी संदीप सिंह के हॉकी प्लेयर बनने पर फोकस की गई है और उनके जो लाइफ में एक बहुत ही बड़ा इवेंट आया था जब एक एक्सीडेंट के टाइम में जब उन्हें जर्मनी जाना था खेलने के लिए, उसे 2 दिन पहले उनके लोअर बॉडी पार्ट में गोली लगती है और वो 3 साल तक व्हीलचेयर पे चलने लगते हैं और उसके बाद जो वो कमबैक करते हैं उस पर ये पूरी कहानी फोकस करती है, क्योंकि 2009 में जब उन्होंने कमबैक किया था तो वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे अजलान शाह हॉकी कप में, तो इस पर ही ज़्यादा फोकस किया है। तो कहानी बस इतनी सी है और स्टारकास्ट में अगर आप देखेंगे तो दिलजीत दोसांझ, तापसी पन्नू और विजय राज जैसे ही नामी चेहरे हैं। और इस मूवी की खास बात है कि सोनी पिक्चर के साथ साथ बॉलीवुड की अच्छी एक्ट्रेस जिसे हम कंसिडर करते हैं चित्रांगदा, वो भी प्रोड्यूस कर रही हैं और मूवी 29 जून को ही रिलीज होने वाली है। लेकिन अगर प्रमोशन से देखें तो मूवी को इतना प्रमोट नहीं किया जा रहा है। क्या इसके मेकर्स पहले ही समझ चुके हैं ये एक एवरेज फिल्म रहेगी, या शायद वो इसके टारगेट ऑडियंस को जानती है कि ये फिल्म ज़्यादा पंजाब के ही जोन में चलेगी? तो ऐसा ही लग रहा है कि इस मूवी का परफॉर्मेंस एक एवरेज मूवी की तरह ही रहेगा, क्योंकि जैसा भारत में हॉकी का हाल है शायद इस मूवी का भी हाल ऐसा ही रहे। अगर आपको हमारे लेटेस्ट ट्रेलर भी पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।